आम बयान सुना होगा, किसान जब सरकार का विरोध करता है, मान लेना सरकार की कमर तोड़ता है, कब तक रोकेगा? प्रशासन कितना और पब्लिक कितनी है, इस बात का आइडिया आप भी लगा सकते हो, आम आदमी भी जानता है। लेकिन एक ही बात है, मानना चाहिए, आज के दिन तो मानना चाहिए, किसान एक रो रहा है और ऐसे देख रहा है, तो इससे ज़्यादा और बुरा वक्त कब आएगा? किसान लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच चुके हैं और हमारे साथ भी एक किसान मौजूद है गोहाना से, जो अब दिल्ली जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इनकी गाड़ी में जो है फ्रूट रखे गए हैं, केले जो ये साथ लेकर जा रहे हैं। इन किसानों ने दिल्ली में जो सरकार ने लाखों कोशिशें की इन्हें रोकने की, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुक नहीं पाए। पुलिस प्रशासन ने जो है रास्ते में बैरिगेड्स लगाकर और उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, उसके बाद जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद भी किसान नहीं रुके और दिल्ली पहुँच ही गए। तो हमारे साथ जो किसान है, सर नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे सर आज जो आप जा रहे हैं ये फल लेकर? हम ये फल लेकर इसलिए जा रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं वहाँ कोई भूखा प्यासा ना हो, और चंदा की जरूरत होगी तो चंदा भी देंगे। और इस मोदी सरकार को हम बताना चाहते हैं ताकि किसान की भी सुन ले, जो रोड पर खड़े है आज, क्यों खड़े है वो, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। किसान जब रोता है ना, वो एक बार आपने भी लोग, और वो आज सरकार के सामने नहीं थी, आज जो चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है। मैं तो मोदी जी को एक ही बात कहना चाहूँगा, इस जनता को देखें, नेताओं को मत देखें, अपनी सरकार को मत देखें, जनता के दिल की आवाज़ समझें। आज लोग इतने परेशान क्यों हैं? कहते हैं कांग्रेसी हैं, इनेलो वाले हैं, देखो सब सब भी पार्टियों में रहे हैं, मैं भी जेजेपी में रहा हूँ, आज कांग्रेस में हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक किसान हूँ। और बीजेपी वाले किसान क्यों नहीं है, वो भी एक किसान है, लेकिन उन्होंने भी एक सरकार का दबाव में कि सरकार अपने संपर्क में भी हर कोई भूखा नंगा आदमी को कह देती है, हम तेरे को हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी की। आज सिर्फ इनका बहकावे में लोग हैं, नहीं तो सरकार तो लोगों की आवाज़, किसान की आवाज़ समझनी चाहिए। किसान को रोकने के लिए जो है बैरिगेड्स लगाए गए और वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद भी किसान नहीं रुके और वो दिल्ली पहुंच गए। किसान सबसे बड़ा संघर्षशील आदमी होता है, जो रात के जाड़े में और दिन की दोपहरी में कमाने वाला आदमी होता है, जो बॉर्डर पर भी जो जवान होते हैं जो तनख्वाह लेते हैं, वो भी इतना मजबूत और संघर्षशील नहीं होता, वो बहुत ही एक बेचारा किसान। तो बस मैं एरिया का सबसे बड़ा जमींदार रहा हूँ, लेकिन मैं भी आज सिर्फ किसान सरकार का विरोध में खड़ा हूँ, मैंने भी जमींदारा छोड़ दिया है बिल्कुल, और किसानों की माननी पड़ेगी मोदी जी को। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा खट्टर साहब को, एक बार चश्मा उतार के देखे, किसान की तरफ चश्मा लगा के ना देखे और उसको अपना समझे, ताकि वो भी कहें हम बीजेपी वाले हैं, और आगे आने वाले वक्त को देखें, जब उसको अपना नहीं मानेंगे वो तो किसको अपना मानेंगे। आज हरियाणा हमारा एक कृषि प्रधान देश है, और मैं तो एक सरपंच हूँ, मैं तो एक दुनिया की आवाज़ बनकर आया करूँ, विपक्ष मेरे को अच्छा लग रहा है, ताकि विपक्ष में सुनाई अच्छी हो, तो इसीलिए सरकार भी ध्यान रखे, और आज इसी बात के लिए खड़े हैं, और इसी कारण विपक्ष में जाना पड़ा है, ताकि जमींदार की सुनाई नहीं हो रही है, किसी को मंडी के अंदर पीटा जा रहा है और फसल को भी अंदर पीटा जा रहा है, जमींदार को भी कुआड़ बंद करके पीटा जा रहा है। मंडी में जब किसान अपना विरोध करने जाते हैं, जब भी लाठीचार्ज होते हैं, इसे अच्छा तो मार देगा, लेकिन हरियाणा का जमींदार या मेरे देश का किसान एक बहुत ही महान आदमी होता है, जो हर वक्त पहले मौसम से लड़ता है और फिर ये मानो सरकार से लड़ता है, और वो लड़ाई हमारी जारी है, जब तक नहीं मानेंगे, जब तक वो चौथा कानून नहीं लाएंगे मोदी जी, जब तक नहीं मानेंगे। जो रास्ते हैं जहां से किसान जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, जब किसान जा रहा है और प्रशासन उनको रोक रहा है, क्या ये सही है? कब तक रोकेगा? प्रशासन कितना और पब्लिक कितनी है, इस बात का आइडिया आप भी लगा सकते हो, आम आदमी भी जानता है। लेकिन एक ही बात है, मानना चाहिए, आज के दिन तो मानना चाहिए, किसान एक रो रहा है और ऐसे देख रहा है, तो इससे ज़्यादा और बुरा वक्त कब आएगा? और मैं तो यही बात कहना चाहूँगा मोदी जी को, ताकि सुने किसान की, किसान प्रधान देश है हमारा हरियाणा, इसमें हम रहते हैं। और रही बात शहीद होने की, अब किसान तो एक बहुत वैसा होता, हमारी सरकार ने क्या करा है, कभी भी किसी की सुनी हो हरियाणा में, पीछे कितने ढूंढ जलवा दिए होंगे, एक राजकुमार सैनी को छोड़ देते थे समाज के खिलाफ बोलने के लिए, एक दिन कड़पा गाँव में उसका हम विरोध करने के लिए जा रहे थे, वहाँ चार बस आई थी, बताओ आदमी कहाँ विरोध कर सकेंगे? जब तक विरोध नहीं होगा सरकार का, सरकार तब लोग सुने नहीं की, और विरोध जब भी होता है जब सरकार के उल्टे दिन आते हैं, इसी बात को मैं कहना चाहूँगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं और मेरे से एक दो से थोड़ा काम चलेगा किसी को बना देंगे, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जब मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा मैंने एक दिन बोल दिया था मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, जिएगा जब तक रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं रहेगा, ये एक मेरा आपको कहना। ये थे हमारे साथ किसान जो है गोहाना से, और अब ये दिल्ली जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अपनी गाड़ी में जो ये फल फ्रूट भी जो किसानों के लिए वहाँ पर लेके जा रहे हैं, और आगे भी जो है ये इसी तरह से मदद करते रहेंगे किसानों की।
इन्होंने कहा कि अगर धन की आवश्यकता होगी तो किसानों को चंदा भी देंगे, और अगर खाने पीने की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी हम किसानों का सहयोग करेंगे, और वहाँ रुकना पड़ेगा तो वहाँ रुकेंगे, और हमें अगर अपना बलिदान देना पड़ेगा तो बलिदान भी देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह संघर्ष रुकने वाला नहीं है, सरकार को इनके लिए सोचना ही पड़ेगा। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।